अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। एस्टन मार्टिन की यूनिकॉर्न मॉडल की कार नीलाम होने वाली सबसे महंगी ब्रिटिश कार बन गई है। वर्ष 1956 की एस्टन मार्टिन DBR1 कार पिछले हफ्ते करीब 145 करोड़ में बिकी है। इसके सिर्फ 5 मॉडल बनाए गए थे। इन कारों का निर्माण 1956-1958 के दौरान हुआ था, जिसमें से यह पहली और एकमात्र DBR1 कार है जिसकी नीलामी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड साल 1955 की जगुआर डी टाइप 139 करोड़ के नाम था। इस कार को खासतौर पर ले मेंस रेस को जीतने के लिए बनाया गया था। टोनी ब्रूक्स और रे पानेल ने 1956 में सबसे पहले यह कार चलाई थी। इसे 22 घंटे चलाया गया था। हालांकि इस दौरान इसका इंजन फेल हो गया था। एस्टन मार्टिन DBR1 ने सिर्फ 2 ही रेस में हिस्सा लिया था। पहली रेस फ्रांस के सबसे पुराने रेस ट्रैक ले मेंस में हुई थी। दूसरी रेस फ्लोरिडा के सेबरिंग शहर में आयोजित हुई थी। ले मेंस में 1957 और 1958 और सेबरिंग में 1958 और 1959 में रेस का आयोजन हुआ था। ले मेंस में इंजन फेल होने के चलते कार रेस जीतने में असफल रही थी। हालांकि 1959 में वर्ल्ड स्पोर्ट कार चैंपियनशिप में इस कार ने जीत हासिल की थी। एस्टन मार्टिन DBR1। अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। एडिनबर्ग वैज्ञानिकों ने इंसानों में बुद्धि की उत्पत्ति का कारण खोज निकाला है। उनका दावा है कि 50 करोड़ साल पहले हुई एक जैविक घटना के बाद से इंसानों में सोच सकने वाली जीन्स विकसित हुई। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इंसानों और अन्य स्तनधारियों में बुद्धिमत्ता के विकास की मुख्य वजह खोज निकाली है। उन्होंने पाया कि हमारे पूर्वजों के दिमागों में कई जीन्स की संख्या में वृद्धि होने पर इंसानों में बुद्धिमत्ता का विकास हुआ। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हमारी मानसिक क्षमता बढ़ाने वाली यही जीन्स कई दिमागी विसंगतियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 5 करोड़ साल पहले समुद्र में रहने वाले बिना रीढ़ के एक सरल जीव में भी यह जैविक घटना हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप इन जीन्स की अतिरिक्त प्रतियां बन पाई थी। इस जीव की आने वाली पीढ़ियों को इन अतिरिक्त जीन्स से लाभ मिला और यह लाभ इंसानों और अन्य परिष्कृत रीढ़ वाले जीवों तक भी पहुँचा। श्वेता विवेक नरेश एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रमुख शोधकर्ता सेट ग्रांट ने कहा, सबसे बड़ी वैज्ञानिक समस्याओं में से एक समस्या विकास क्रम में बुद्धिमत्ता और जटिल रवैयों की उत्पत्ति समझना है। नेचर न्यूरोसाइंस में छपे इस शोध में व्यवहार के विकास और दिमागी बीमारियों के बीच संबंध भी दर्शाया गया है। इस अध्ययन को आर्थिक मदद देने वाले वेलकम ट्रस्ट में मस्तिष्क विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख जॉन विलियम्स ने कहा, इस शोध के जरिए मानसिक विसंगतियों की उत्पत्ति समझने में मदद मिलेगी और इससे उपचार के नए तरीके ढूंढने में भी मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं की टीम ने तुलनात्मक कार्य सौंपकर चूहों और इंसानों की मानसिक योग्यताओं का अध्ययन किया था। इन कार्यों में टच स्क्रीन कंप्यूटर्स पर चीजों को पहचानना भी शामिल था। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इन व्यवहार संबंधी परीक्षणों के नतीजों को विभिन्न प्रजातियों के जैविक कोडों के साथ मिश्रित कर दिया ताकि विभिन्न व्यवहार विकसित होने का समय पता लगाया जा सके। उन्होंने पाया कि इंसानों और चूहों में उच्च मानसिक कार्य एक समान जीन से ही नियंत्रित होते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि जब ये जीन्स नष्ट हो जाते हैं वे उच्च मानसिक कार्यक्षमताओं को पंगु बना देते हैं। ग्रांट ने एक बयान में कहा, हमारा काम दर्शाता है कि ज्यादा बुद्धिमत्ता और ज्यादा जटिल व्यवहार की कीमत ज्यादा दिमागी बीमारी है। इस अध्ययन में शामिल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर टिम बुसे ने कहा, इन बीमारियों से जूझ रहे रोगियों की मदद के लिए हम अब अनुवांशिकी विज्ञान और व्यवहार परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।